क्या करूं क्या करूं। हैं, ये क्या, मेरा वज़न फिर बढ़ गया? ओ नो, आइडिया। मैंने ग्रीन टी पी ली है, अब मेरा वज़न ज़रूर कम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ग्रीन टी फैट लॉस में और वेट लॉस में, वज़न कम करने में मदद करती है कि नहीं करती। सो गाइस, इसका आंसर है कि जी हाँ, ग्रीन टी एक्चुअली हेल्प करती है वज़न कम करने में और बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कम करने में। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन लोगों के जहनों में आता है कि भाई, बहुत से लोग रेगुलर ग्रीन टी पीते हैं, अपनी डाइट में ऐड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता। तो कुछ अरसे वो ग्रीन टी पीते हैं लेकिन उसके बाद गिवअप कर जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है बेसिकली? सो देखें, ग्रीन टी को अगर आप सही तरीके से राइट वे में पीते हैं तो ग्रीन टी एक्चुअल में आपको हेल्प करेगी। इस पूरे सिनेरियो को एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं और ये एग्जांपल आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। लेट सपोज आपका कोई फ्रेंड है और आप जानते बूझते उसके साथ फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं कोई, और उसको ये बात पता चल जाती है। बाद में आप उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आई एम सॉरी। आप सॉरी बोलते हैं लेकिन रियलिटी में क्या वो आपकी सॉरी को एक्सेप्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है आपने फ्रॉड किया, उसके साथ एक बड़ा धोखा किया। एक कंडीशन है ये। सेकंड कंडीशन कौन सी है कि आपसे गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है, यानी आपसे कोई छोटी मिस्टेक हो गई, आप फ्रेंड के पास जाते हैं, उसको सॉरी करते हैं, वो आपकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। अब इनको, इसको जहन में रखिएगा। अब हम आते हैं ग्रीन टी की तरफ और अपनी बॉडी की तरफ। तो लेट सपोज़ आपकी बॉडी आपका फ्रेंड है और जो ग्रीन टी है, तो जो आप फ्रेंड को सॉरी बोल रहे हैं वो ग्रीन टी आपका सॉरी है। ठीक है, आपकी बॉडी आपका फ्रेंड है और जो ग्रीन टी है वो सॉरी है जो आपने फ्रेंड को कहा है। आप अपनी बॉडी के साथ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, हैवी फूड खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, शुगरी फूड खा रहे हैं, फिर उसके साथ डेजर्ट्स भी ऐड किए हुए हैं, मीठे भी ऐड किए हुए हैं, मिठाइयाँ भी, फिर आप ड्रिंक्स भी पी रहे हैं हैवी, देन वहाँ पे आपका वज़न बढ़ जाता है और आप बोलते हैं आइडिया, वज़न बढ़ रहा है मेरा, मैं ग्रीन टी पीता हूँ, वज़न कम हो जाएगा। देन आप ग्रीन टी का एक कप पीते हैं रोज़ाना या दो कप पीते हैं और बॉडी को सॉरी बोलते हैं जो आपने उसके साथ फ्रॉड किया। बॉडी उस सॉरी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। ग्रीन टी हेल्प नहीं करती आपको इस कंडीशन में, फैट लॉस में। सेकेंड कंडीशन की तरफ आते हैं, आप बॉडी को ट्रीट करते हैं कभी कभी, ओकेशनली आप बिरयानी खा लिया, आपने बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, वीक में एक दफ़ा, 10 दिन में एक दफ़ा, आप रेगुलर इस तरह का काम नहीं करते। तो ओकेशनली जब आप फूड फॉर पैशन खाते हैं तो वहाँ पर जब आप फिर ग्रीन टी पीते हैं, बॉडी को सॉरी बोलते हैं, बॉडी उस सॉरी को एक्सेप्ट करती है क्योंकि आप ओकेशनली ये काम कर रहे हैं। और ग्रीन टी इस कंडीशन में डेफिनेटली आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कट भी करती है और फैट सेल्स को मोबिलाइज करने में मदद करती है। देन यहाँ पे आपका वेट, फिर जो है एक्स्ट्रा फैट जो बना हुआ है वो लॉस होता है और आप मोटिवेट होते हैं मज़ीद उसको लॉस करने के हवाले से। सो गाइस, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, यहाँ पर फूड फॉर पैशन, यानी जो टेस्ट के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए फ़ूड खाया जाता है, उसको आप किस तरह कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे आपको खाना चाहिए, इस टॉपिक पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पर आपको कार्ड नज़र आ रहा होगा, आप उस पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका टाइटल है ईद स्पेशल शीर खुरमा। तो शीर खुरमा को पिक करके मैंने वीडियो बनाई थी। और इसी तरह आप दूसरे जो फूड हैं, बर्गर, बिरयानी, यानी जो दावतों वगैरह में खाए जाते हैं, ओकेशनली जिन फूड को कंज्यूम किया जाता है, तो वहाँ आपको कैसे खाना चाहिए, आप इस वीडियो पर जाके जो है उसको डिटेल में जो है उसके बारे में जान सकते हैं। तो आप मज़ीद, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि हेल्थ के हवाले से,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।